जिसके अंदर फुल्ली लोडेड गाड़ी है, कि ये बहुत लो मेंटेनेंस का है। कि कितने की है और कितने तक मिल जाएगी। शेरो, मैं सैम और आप देख रहे हो सैम दिल्ली से। तो यार फिर से तुम्हारा भाई आ गया है करोल बाग कार विलेज और एक और कार के साथ। आज हम बनाने वाले हैं होंडा सिटी की वीडियो। जी हाँ, क्या डिटेल्स है इसकी, क्या इसकी स्पेसिफिकेशंस है और क्या इसकी कंडीशन, सारी डिटेल में बात करेंगे। तो पहले बता दिए, आप लोग जबरदस्त आ रहे हो और गाड़ियां ले रहे हो, लगातार मैं डिलीवरी की वीडियो भी डाल रहा हूं। तो जो भी हमारा सब्सक्राइबर कार विलेज से गाड़ी लेगा उसका हम एक स्पेशल वीडियो बना के डालेंगे और नंबर भी आ रहा होगा स्क्रीन पे। पहले वीडियो शुरू करते हैं, बाकी बात बाद में। तो फाइनली करते हैं दोस्तों इसका रिव्यू स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको इसके पूरे टायर दिखाता हूँ, जो इसके चारों टायर है वो, प्लस इसका जो पेंट है जो कि ओरिजिनल है। मैं आपको पूरी कंडीशन दिखाता हूँ कि इसका पेंट कैसा है, बिल्कुल करीब से। ये देखो, आप देख सकते हो टायर काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन कंडीशन में। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बाहर की तरफ से दिखा दे रहा हूँ। ये हम आ गए दूसरे टायर की तरफ। दूसरा टायर आप बिल्कुल आराम से देख सकते हो और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ एकदम आगे का वॉक अराउंड। इसके जो पेंट है बिल्कुल ओरिजिनल पेंट है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई स्क्रैच नहीं है इसके अंदर। ये देख सकते हो आप। अब हम आ गए तीसरे टायर की तरफ। ये आप देख रहे हो तीसरे टायर। अब हम चल रहे हैं पीछे की तरफ, मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ। अब आ गए चौथे टायर की तरफ। तो टायरों की कंडीशन यार काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ज़बरदस्त है और काफ़ी अच्छा चलेगा मेरे ख्याल से ये। तो यार तुम्हें मैंने बाहर से इसका पूरा का पूरा वॉक अराउंड दिखा दिया, जिसमें मैंने टायर और तुम्हें पेंट दिखा दिया कि इसका जो पेंट है ना यार ओरिजिनल पेंट है, कहीं भी स्क्रैचेस भी नहीं है। ठीक है, तो अब चलते अंदर की तरफ, अंदर के सारे फीचर्स जानते हैं और फाइनली इसकी जानेंगे डिटेल्स कि कितने की है और कितने तक मिल जाएगी। तो फाइनली अब हम आ चुके हैं गाड़ी के अंदर अजय जी के साथ। पहले सबसे पहले थैंक यू सो मच अजय जी अगेन चैनल पर आने के लिए। तो पहले बात करें होंडा सिटी की, जिस तरह के लोग इस गाड़ी को पसंद ज्यादा करते हैं। पहली बात तो होंडा सिटी एक वेल नोन गाड़ी है, प्रीमियम सेडान। अब आप इसके अंदर ये देखेंगे कि सबसे बड़ी बात, लोग कहते हैं कि सेडान गाड़ी है मेंटेनेंस ज़्यादा होगा, नहीं। इस गाड़ी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बहुत लो मेंटेनेंस कार है। लो मेंटेनेंस कार, बिल्कुल सिंपल सी एक चीज याद रखनी है कि इस गाड़ी को 10,000 किलोमीटर आपने चलाया, ठीक है, 10,000 किलोमीटर चलाने के बाद एयर फिल्टर और इंजन ऑयल, ठीक है, अगर आप टाइमली चेंज कराते रहते हैं तो आपको इसके अंदर और कुछ नहीं करना। और तो पहले आप बताएं मुझे इसके फीचर्स के बारे में। फीचर के बारे में सैम भाई आप देख रहे हैं, स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल है, ठीक है, आपको यहाँ से आप वॉल्यूम अपना कम ज्यादा कर सकते हैं, जैसे आप म्यूजिक सुन रहे हैं। अच्छा, अगर इसमें क्या है, म्यूजिक जो दिया हुआ था म्यूजिक को कंट्रोल, तो वो हम यहीं से कर सकते हैं, यहीं से कर सकते हैं। आपको यहाँ पे झंझट नहीं रहेगा, यहाँ का झंझट नहीं रहेगा। आपके लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी सारी चीजें दी हुई हैं, आप इसको वॉल्यूम कम ज्यादा चैनल भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, सेफ्टी के पर्पज पे डुअल एयर बैग है बोथ साइड, मतलब ड्राइवर सीट, ड्राइवर प्लस को पैसेंजर, जो को ड्राइवर जो साथ में बैठा है, जो को पैसेंजर है, उसके लिए भी, ठीक है जी, बहुत बड़ी बात है। और यहाँ के जो फंक्शंस की बात करें तो सारे वर्किंग है, फंक्शन बिल्कुल एवरीथिंग है, एसी का हो गया, म्यूजिक फंक्शन सारे हो गए, ये सारा वर्किंग, एवरीथिंग इज वर्किंग, ठीक है। इसका जो हम गियर बक्से की बात करें तो काफी ज्यादा स्मूथ, बहुत स्मूथ है, ठीक है। अगर हम अजय जी इसके स्पेस की बात करें, स्पेस आप देख रहे हो कि हमने सीट कितनी पीछे की हुई है, इमरान भाई अगर दिखा पाए तो आप देखिए स्पेस, देखिए आप, देखिए आप इसके अगर हम आगे देख रहे हैं, ये इधर इधर भी काफी ज्यादा स्पेस, कितना स्पेस, इतना स्पेस आपको अदर गाड़ियों में नहीं दिखेगा, नहीं दिखता है, ये बहुत कम गाड़ियों में वाला स्पेस और डैश बोर्ड, ठीक है। बात करते हैं अजय जी इसकी डिटेल्स की, बताएं इसकी क्या क्या डिटेल्स है। ये 2010 VMT टॉप एंड मॉडल है, ठीक है जी।
2010 है, प्लस इसमें एक फायदा मिल जाएगा क्योंकि ये गाड़ी किसी कारणवश खड़ी रही, जिनकी गाड़ी थी उन्होंने रजिस्टर्ड नहीं करा पाई। अच्छा, इसको तो रजिस्टर्ड नहीं करा। हाँ, तो ये रजिस्टर्ड हुई है 2012 में। अच्छा अजय जी, एक बात बताइए, जैसे कई बार मैंने सवाल हमारा आता है सब्सक्राइबर का कि जी मॉडल तो ये है रजिस्टर्ड, आप ये बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है, देखो किसी कारणों से अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है गाड़ी का, तो ऐसा कि नहीं वो गाड़ी चली है, गाड़ी चली नहीं है। अच्छा। क्योंकि गाड़ी तभी चलेगी जब वो रजिस्टर्ड होगी, ऑन रोड टेबल तभी होगी जब रजिस्टर्ड होगी। तो मैन्युफैक्चर्ड ये 2010 है, ठीक है, बट इसका रजिस्ट्रेशन जो हुआ है वो 2012 में हुआ है। अच्छा। तो इट्स मीन ये अब 2012 से 15 साल काउंट होगी, यानी 2027, तो इसकी वैलिडिटी जो है वो 2027 तक रहेगी। ये प्लस पॉइंट मिल जाता है अगर हमारा कोई भी व्यूअर इस गाड़ी को खरीदता है, तो उसको 2 साल समझो फालतू चलाने के लिए मिल गए। मतलब रजिस्टर्ड का ये है, जिस दिन से रजिस्टर्ड होगी उस दिन से चलेगी। अब हो सकता है आप में से कुछ लोग ज्ञानी लोग कहेंगे इसको तो ये नहीं पता, तो ये उसके लिए नहीं है यार, जिसको पता है, कॉमन सेंस लगाओ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और कमेंट में आके ज्ञानी बाजी भाई नहीं, को ये नहीं पता। मैं अच्छा, तो अब हम अगर बात करें तो लोन की बात करें इस गाड़ी पे, तो क्या रहेगा डिटेल्स? लोन सैम भाई, दिल्ली और एनसीआर का अगर कोई पर्सन है, है, तो इसका लोन हो जाएगा। अदर स्टेट का फिलहाल बंद है। अच्छा? होता था। हाँ। और मे बी आगे होगा, बट अभी बंद है। तो लोन की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी, जैसा अगर एनसीआर का बंदा है। हाँ, अगर उनके पेपर्स पूरे हैं तो लोन हम करा के देंगे उनको। ठीक है, हम इसके प्राइस की बात कर लेते हैं, क्या प्राइस डिमांड कर रहे हैं? 3.25 लाख, 3,25,000, बाकी उसमें भी कम हो जाएगा। यानी कि जो होंडा सिटी ये हमारी है, इसकी जो डिमांड हो रही है टॉप होंडा सिटी आईवीटेक वीएमटी, बिल्कुल। और पेट्रोल में है गाड़ी, डीजल में नहीं है, पेट्रोल में है, वीएमटी जो टॉप मॉडल में आती है, जो इनका आस्किंग प्राइस है वो 3,25,000 है, जो कि नेगोशिएबल है। यानी कि अगर आप शॉप पर आते हैं, देखिए कई बार लोग कहते हैं कि भैया अभी फाइनल रेट बता, देखो फाइनल रेट अगर आप शोरूम पे आते हैं तो ही फाइनल रेट एक नेगोशिएट हो पाता है, फोन पे उतना ज्यादा मजा नहीं आ पाता। तो आप शोरूम पे आइए, जो 3,25,000 है उस पे नेगोशिएबल हो जाएगा। और एक और चीज, अगर सैम दिल्ली का नाम लेके आप आते हैं तो आपको स्पेशल ट्रीटमेंट भी मिलेगा। मुझे इस बात को अजय जी से पूछने की जरूरत ही नहीं, अब तो रिश्ता इतना बढ़िया हो गया कि कोई दिक्कत नहीं। आपके व्यूअर्स लेके जा रहे हैं गाड़ी, आप पूछो। अब तो इतना अच्छा हो गया है कि अब जो व्यूअर्स हैं हमारे, सब्सक्राइबर लगातार आ रहे हैं और आ रहे हैं, गाड़ी लेके जा रहे हैं, आप उनका फीडबैक खुद ले लीजिए। जल्दी आओ, अब तो फीडबैक भी आपको यूट्यूब पे मिलेगा, किसी कस्टमर से पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फिर करते हैं ये वीडियो एंड।